हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज सैपलिंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये जी सर, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 3/4 और 6/4। जैसे कि यहाँ पर हमारा अंश और ये हर, जब भी हमारा हर समान है तो इसको करने के लिए हम लोग, हमें सबसे पहले लसअप लेना पड़ता है यानी एलसीएम लेना पड़ता है। हमारा हर समान है तो हमारा एलसीएम भी समान हो जाएगा, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 4। अब इससे हम इसमें भाग देते हैं, तो इससे हम इसमें जब भाग देंगे, यानी इससे हम एलसीएम में भाग देते हैं, तो 4 से 4 में भाग देने से 1 आता है। उस 1 से हम इसमें गुणा करेंगे, यानी 1 से 3 में गुणा करने से क्या आएगा, 3। यानी हमारा हो गया 3 और यहाँ पे जोड़ प्लस का चिन्ह देते हैं। सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, इससे हम इसे भाग देंगे, हमारा 4 से 4 में भाग देने से 1 आता है और 1 से 6 में गुणा करने से 6 आता है। जोड़ का चिन्ह दे देंगे और 6 और 3 जोड़े कितना हो जाता है, 6+3=9, 4। यानी ये हो गया हमारा 9/4 यानी 9/4। एक और हम उदाहरण लेके देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अगर 4/6 + 5/8, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ये जो अंश और ये हर, यहाँ पे हमारे हर दोनों अलग अलग संख्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लसा का पहले हम ले लेंगे इसका, दोनों का लसा पा करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से पहले इन दोनों को भाग करेंगे। यानी हम 2 से करते हैं, 2 से कितने बार हमारा होता है, 2 से हम 6 में भाग करेंगे, यानी 2 से 6 कितना, 2 3 6, 3 बार में। फिर 2 से हम 4, 2 से 8 को भाग करेंगे, कितने बार में होगा, 2 चौके 8। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग संख्या है तो इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी ये 2 2 × 3 × 4, जब इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 3 6 6 चौके 24, यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देंगे हम हमारा 24 जो हमारा एलसीएम आया हुआ था। अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। इस 6 से इस एलसीएम में हम सबसे पहले भाग देंगे, 6 से जब हम 24 में भाग देते हैं तो 6 चौके 24 यानी 4, जो 4 आया, 4 मिला है, उसे हम ऊपर वाले से हम गुणा करते हैं, तो 4 से 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 16। जोड़ का चिन्ह हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 8 से हम हमारा एलसीएम यानी जो 24 है उसके अंदर हम भाग करेंगे, 8 3 24 3, जो 3 मिला है उस इससे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, यानी 5 3 15, यहाँ हमें मिल गया 15। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना होता है, यानी हमारा हो जाएगा ये 31/24। अब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दो बटा पांच और यहां पे मैं ले लेता हूं 4/6। इसका भी बच्चों हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों हमारी संख्याएं अलग अलग है। चलो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। बच्चे हम यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों संख्या किसी एक नंबर से विभाजित नहीं हुई, कटेगी नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब कोई संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं हो सकती हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ गुणा कर देंगे, यानी 5 6 30, ये हमारा एलसीएम हो गया। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, 5 से हम इस 30 को हम भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 6 30 यानी 6 बार में, जो संख्या हमें 6 मिली उसे हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे,
ऊपर इस संख्या पे हम गुणा करेंगे, 6 दुनी 12 होता है, 6 दुनी 12 आ गया। यहाँ पे जोड़ का निशान, फिर 6 से हम इस 30 को भाग करेंगे, कितना बार में आएगा, 5 बार में। अब उस 5 से जो हम इससे भाग करने, इससे हमने जब इसे भाग किया तो हमें 5 मिला। अब उस 5 से हम इस 4 को गुणा करेंगे, यानी इससे हमने इसको भाग दिया है, फिर हम क्या करेंगे, इससे हम गुणा करेंगे, यानी 5 चौके 20, ये संख्या हमें मिल गई। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे हमारा 30। अब बच्चों हम इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं, 2 2 2 6 12, 16 बार में कट गया, और ये हमारा कट जाएगा 15 बार में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया हुआ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।